इन युवा हाथों में कंप्यूटर की जगह कैंची है। ये युवा खुली हवा की जगह इस दम घोटू वातावरण में काम कर रहे हैं। भारतीय कपड़ा उद्योग रोजगार देने में कृषि के बाद दूसरे नंबर पर है। सेव द चिल्ड्रन एनजीओ इन जवान होते बच्चों के जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर आया है। इसके तहत 14 से 24 साल के वयस्क बच्चों को शिक्षण के जरिए उन्हें कपड़ा उद्योग के चंगुल से निकलने और एक सम्मानित जीवन जीने के बारे में बताया जाता है। सेव द चिल्ड्रन जो एक संस्था है, उनकी टीम पूरी मेरे घर पे आई, जिन्होंने मुझे VT के प्रोग्राम के बारे में बताया, जिसमें 18 से 24 साल के बच्चों को लिया जाता है। और इस प्रोग्राम में काफ़ी सारे कोर्सेस होते हैं। एक लंबे प्रोसेस के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ VT के प्रोग्राम में, वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम में, रिटेल एग्जीक्यूटिव जो एक कोर्स है उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। थैंक यू सेव द चिल्ड्रन। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद करना क्या है। सेव द चिल्ड्रन से मेरा कॉन्टेक्ट हुआ, तो वहाँ पर मुझे उन लोगों ने सजेस्ट किया, वहाँ पर मेरा फाउंडेशन कोर्स हो रहा है, तो फिर मेरा इंटरव्यू अलाइन कराएंगे वो और जॉब भी दिलवाएंगे। तो मैं सेव द चिल्ड्रन को अपना तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। संस्था ने अब तक कई वयस्कों और बच्चों का जीवन सुधारा है, साथ ही स्टेक होल्डर्स को भी इसमें शामिल किया जाता है। गारमेंट कंपनी के मालिकों को शपथ दिलाई जाती है कि वो बाल श्रमिकों को काम पर नहीं रखेंगे। मैं फैक्ट्री का ओनर हूँ, जो नाबालिग बच्चे हैं उनको जो है कहीं देखता हूँ कि जो बच्चा मतलब स्कूल या कहीं पढ़ाई के लिए उसको जो नहीं कर पा रहे हैं, उनको सपोर्ट कोई नहीं है, जो मतलब उनको लोग को काम पे रख रहे हैं, उनको हम सेव द चिल्ड्रन में हम लाते हैं। हम लोग दिल्ली के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करें, साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट दिल्ली। हम लोग 7 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने कम्युनिटी में, अपने एरिया में आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन होने के बाद हम यूथ के साथ 1-to-1 सेशन करते हैं, देन हम उसका एक ओरिएंटेशन कराते हैं ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ, तो देट कि उनको एक पूरा रोड मैप पता चलता है, कितने दिन का ट्रेनिंग होगा, कहाँ पे होगा, ट्रेनिंग करने के बाद क्या उनके जॉब का जॉब कहाँ पे लगेगा, कितना उनका मिनिमम सैलरी स्टार्ट होगा। अल्टीमेटली वहाँ पे उनको बताया जाता है कि आपका करियर पाथ क्या होगा, आप अपने करियर को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। इन वयस्क बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा किसी भी नए कौशल को सिखाया जाता है। इन्हें काउंसलिंग, रिज्यूम मेकिंग, लाइफ स्किल और कम्युनिकेशन स्किल आदि भी सिखाई जाती है। एज अ प्लेसमेंट ऑफिसर होने के नाते प्लेसमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही मेरे ऊपर। सो बेसिकली EDP प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि वो खुद का कुछ काम कर सके। ये जब आइडिया हमें आया तो हम काफी यूथ से मिले। उन यूथ से मिलने के बाद हम लोगों ने सिर्फ 13 बच्चों को सिलेक्ट किया अपने चारों लोकेशन से। 13 बच्चों को सिलेक्ट करने के बाद वी हैव फाउंड कि हम 3 डोमेन के साथ काम कर सकते हैं, एक साइबर कैफे, एक कटिंग एंड टेलरिंग और एक ब्यूटी एंड वेलनेस का। मेरी भाभी ने मुझे इंटरव्यू के लिए भेजा, जहाँ सेव द चिल्ड्रन की साइट से इंटरव्यूज हो रहे थे। उन्होंने मुझसे मेरे एजुकेशन के बारे में पूछा, देन सर्टिफिकेशन के बारे में पूछा, तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने कंप्यूटर कोर्स किया है 1 साल का। जब मैं छोटी थी तो मम्मी की डेथ हो गई थी। मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, पर मेरे घर में प्रॉब्लम थी और पैसे नहीं थे, इसलिए नहीं कर पाई। मैं मेरी फ्रेंड की मम्मी के जरिए सेव द चिल्ड्रन के बारे में पता चला, फिर मैं वहाँ गई और फिर उसके बाद 1 या 2 मंथ्स के बाद मुझे सिलाई मशीन प्रोवाइड किया। कस्टमर आए, मैंने उन्हें कपड़े सिल के दिए। इससे ये चेंजिंग आया कि मैं घर पर बैठ के बिजनेस कर रही हूँ और अपने फैमिली को सपोर्ट भी कर रही हूँ, इसलिए मैं सेव द चिल्ड्रन का दिल से शुक्र अदा करना चाहती हूँ। मैं एक छोटी सी शॉप पे काम करती थी पहले, बट लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मेरे घर में प्रॉब्लम थी। सो फिर मुझे नुसरत मैम मिली, वो हमारे एरिया में अक्सर आया करती थी सर्वे करने, और फिर उन्होंने मुझे सेव द चिल्ड्रन की टीम से मिलाया। तो मैं उनसे मिली, उन्होंने मुझे पूरा प्लान समझाया, उन्होंने बताया कि EDP क्या है और आप कैसे उससे उसके सपोर्ट से आगे अर्न कर सकते हो, अपना स्टार्टअप कैसे कर सकते हो। उसके बाद फिर हमारी ट्रेनिंग के बाद फिर हमें टूल किट मिली, वो सारी थी जो हमारी ज़रूरत की थी। फिर मैंने अपने घर में ही एक रूम में अपना पूरा सेटअप बैठाया और उसमें स्टार्ट करा। फिर धीरे धीरे जब मैं स्टार्ट करने लगी तो मुझे लगा कि हाँ नहीं, मैं बहुत अच्छा कर सकती, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया
उसी जो मेरा अनसेफ था, जो मैंने बचाया था अपना, उसी में मिला के मैंने एक छोटा सा सेटअप बनाया। मैं सेव द चिल्ड्रन की बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच। सेव द चिल्ड्रन इन किशोर बच्चों के कदमों को सही दिशा देकर उन्हें भारत का एक बेहतर नागरिक बनाने का काम बखूबी कर रहा है।